जावरा नया गांव फोरलेन पर एक के बाद एक बड़े हादसे हो ही रहे हैं, जिसको लेकर ये फोरलेन फिर से विवादों में आ गया है। जब से ये फोरलेन बना है तभी से इसमें तकनीकी खामियों के चलते बड़ी संख्या में हादसे और हादसों में लोगों की मौतों को लेकर शिकायतें हो रही थी, लेकिन किसी ने भी इस और अब तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में जानकारों के अनुसार पिछले 9 माह में 56 दर्दनाक सड़क हादसों में 16 लोगों ने जान गंवाई है, साथ ही 76 लोग घायल भी हुए। ऐसे में अब इस फॉरलेन को मौत के फॉरलेन के रूप में पहचाने जाने लगा है। ये है वो नया गांव से जावरा मौत का फोरलेन, जहां सड़क निर्माण कंपनी द्वारा की गई तकनीकी खामियां किए जाने का खामियाजा इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। इस पूरी सड़क में सबसे बड़ी खामी ये है कि ये रोड छोटी कर दी गई, वहीं इसके दोनों ओर का शोल्डर ही मापदंडों के अनुसार नहीं बनाया गया। वहीं कई ऐसे चौराहे जहां ओवर ब्रिज बनाना था वह नहीं बनाए गए हैं, जो कि डेंजर जोन में तब्दील हो गए। और जब यहां हादसे बढ़े तो इस खामी को छुपाने के लिए उन चौराहों पर स्पीड ब्रेकर बना डाले, जो फोरलेन के तय मापदंडों के विपरीत है, जिनकी वजह से अब और हादसे बढ़ गए हैं। बावजूद इसके कोई भी जिम्मेदार मौत के इस फोरलेन को लेकर कोई कार्रवाई या सुधार किए जाने को लेकर पहल करता नजर नहीं आता है, जबकि स्थानीय प्रशासन रेड जोन फंटों पर होर्डिंग लगाकर हादसे कम होने का दावा कर रहे हैं। मालकड़ा जो हाईवे है और भरवड़िया का हाईवे है और जो अन्य हाईवे है, हाईवे का रोड जो बनता है वो हाईवे एक्ट के तहत बनता है। जब भी कोई टर्न आता है तो उस टर्न को सड़क को ऊपर घाटे के ऊपर लेना पड़ता है, लेकिन आप मालकड़ा का भरवड़िया का जो चौराहे देखेंगे तो वो ढलान की ओर है। जब भी कोई बड़ा ट्रक है या बड़े चेचेस आते हैं और वो ढलान की ओर के होने से उनकी गाड़ी के ब्रेक नहीं लग पाते हैं और न ही इन पर ओवरब्रिज बनाए गए हैं, तो जब इस तरह के वाहन आते हैं और उनके जो ड्राइवरों से गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है और ब्रिज नहीं होने की वजह से और जो सड़क है वो नीचे ढाल की वजह से, और इससे लगातार घटनाएं हो रही हैं। काफ़ी मैंने समाचार पत्र के माध्यम से पता लगा है कि कई लोगों के जो चेचेस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और 16-17 लोग एक्सीडेंट मर गए हैं, 76 लोग घायल हुए हैं और काफ़ी वाहन दुर्घटना हुई है और वाहन दुर्घटना से वाहन को भी नुकसान हुआ। मेरे हिसाब से जो स्टेट हाईवे एक्ट के इनको जो सड़क का निर्माण करना था उस मापदंडों को उन्होंने पूरा नहीं किया है और उसका दुष्परिणाम शहर की जनता, इस मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। ये घोर लोक निर्माण विभाग का घोर लापरवाही का मामला है। ये भाटखेड़ा से लगाकर और ये जावत फंटे तक, इसके अंदर फ्लाईओवर बनना था और कंपनियों ने फ्लाईओवर बनाया नहीं और सरकार ने भी उसकी तरफ जानबूझकर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं फ्लाईओवर बना इसके, जबकि पता था कि हाईवे जब बनता है, फोर लेन हाईवे बना है, यहाँ पर निश्चित रूप से गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से जाती हैं और इसके जो क्रॉस रोड हैं वहाँ पर आप देखिए कि इस ये जेतपुरा के आगे जिस फंटे के ऊपर जहाँ से ये एक्सीडेंट अभी कल परसों भी हुआ है, यहाँ इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं कि वो एक्सीडेंट जोन बन गया। और उसकी वजह से नीमच में जो ये ट्रामा सेंटर खुला है ये उसका एक बहुत बड़ा कारण वो एक्सीडेंट भी थे जो वहाँ हुए हैं और 100 से ज़्यादा मौतें इस एक्सीडेंट में यहाँ नीमच के लोगों की हो चुकी है। उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है और जिस कंपनी ने ये बनाया है रोड उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए पूरा काम कर रही है। नीमच के नागरिकों ने कितनी ही बार आवाज़ उठा ली है, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए, कई बार उनको भी पता है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। पहली बात तो उनको ज्ञापन जैसी बात आनी नहीं चाहिए, उनको स्वतः संज्ञान लेकर ये काम करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं फोकट की यहाँ पर जो वाही वाही ले रहे हैं और ये देख नहीं रहे हैं कि यहाँ पर जवान मौतें हो रही है और उनके घर पे किस तरह से मातम छा रहा। इन जनप्रतिनिधियों को अगर ये दिखे तो यहाँ फ्लाईओवर के लिए शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।